जिगजैग चिमनी लगाओ, नहीं तो आपका ईंट भट्टा बंद। जी हाँ, प्रदेश सरकार भट्टा मालिकों के लिए ये नई शर्त लेकर आया है। खाद्य और आपूर्ति विभाग की ओर से अब प्रदेश भर में ईंट भट्टों को जारी किए जाने वाले लाइसेंस के मामले में इस नई प्रणाली को जरूरी शर्त के तौर पर लागू करना होगा। जो भट्टा संचालक इस शर्त की अनुपालना नहीं करेगा, उसकी ईंट भट्टे को बंद भी किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कुरुक्षेत्र का हाल। यहाँ पर मौजूदा समय में 77 भट्टे हैं। कुरुक्षेत्र जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला भट्टा एसोसिएशन और अन्य संगठनों के माध्यम से जिले के सभी भट्टा मालिकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर बोला है कि इस साल भट्टा चलाने वालों को जिगजैग तकनीक से बनी चिमनियों का ही इस्तेमाल करना होगा। उनका कहना है कि मौजूदा चिमनियों से निकलने वाला काला धुआं प्रदूषण करने में ज्यादा बड़ा कारक है। वहीं जिगजैग तकनीक से बनी चिमनियों से सफेद धुआं निकलेगा, जिनसे कम प्रदूषण वातावरण में होगा। लेकिन जिगजैग तकनीक से बनी चिमनियों को बनाने की लागत लगभग 30 से 40 लाख रुपए है। जिगजैग प्रणाली जैसे भट्टा पहले हमारा होता था, गोल गोल लाइन होता था, उसमें जिगजैग में भट्टा थोड़ा सा जिगजैग शेप, मुझे जैग शेप होता है, ऐसा जिगजैग शेप है, उसमें से धुआं क्रॉस होकर निकलेगा। इसमें थोड़ा सा पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से है कि इसमें पोल्यूशन कम रहेगा जिगजैग में। हमारे क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में 77 भट्टे हैं, तो मोस्टली सब 77 का हमने मैसेज सभी को दे दिया एसोसिएशन के थ्रू, या जो उनके एसोसिएशन में भी नहीं थे उनको भी हमने पर्सनली नोटिस सबको दे दिया। नोटिस में ये भी पहले जिगजैग अपना भट्टे को बनाओगे उसके बाद ही चल पाएंगे। लगभग भट्टा मालकों से ही पता लगा, लगभग इसमें 40 से 45 लाख रुपए के लगभग खर्चा नहीं, इसमें वो सभी बंद रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट में पता लगा एक भट्टे पे शायद शुरू हुआ है। पोल्यूशन पोल्यूशन का रिगार्डिंग ही है वैसे तो, पोल्यूशन इससे जिगजैग से पोल्यूशन कम होगा। वहीं भट्टा मालिकों में अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ रोष की स्थिति बनी है। भट्टा मालिकों का कहना है कि सरकार को इस तरह के फैसले लेने से पहले भट्टा मालिकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए था। उन्होंने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दे दिया। अगर हम आज भी इसको बनाना शुरू करें, नहीं हमारे पास इसके मिस्त्री ट्रेंड लेबर जो अलग जड़िए चाहिएंगे, बेलदार चाहिएंगे, जिनकी तनख्वाह 15-20 हजार सुनी जा रही, वो कहाँ से लाएंगे एकदम इतना स्टाफ, हम सारे भट्ठे कहाँ से ले लेंगे, ट्रेंड जो लेबर होगी आपको, तो हम भट्ठा चला ही नहीं सकते। हाल तो ये सरकार ने पहले हमारे को कम पीछे, जैसे जून में भट्ठा बंद होगा जून में ही बुला के कह देना चाहिए अगले साल भी अगर आपने ये बनाएंगे चलेंगे, वो हमारी मर्जी है, हम लेबर को आगे पैसे दें दे ना दें दे, अपना भट्ठा चला दे, सोच दे उसके बारे में। इनका जी हमारा तो टोटल नुकसान है, जो मतलब 10-20 लाख रुपए लेबर लगी वो भी नुकसान है, और जो किसी ने लीज पर जमीन ले रखी चिमनी की लीज देनी, वो मालिक भी लीज लेंगे वो भी नुकसान है, और जो पीछे कोई पैसा फंसे आया वो भी नुकसान है, सारा नुकसान है। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार अपने इस नई शर्त में भट्टा मालिकों के रोष को कम करने के लिए कुछ रियायतें देती है या नहीं। सत्य खबर के लिए कुरुक्षेत्र से भारत सावरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।